नैना भीगे भीगे जाएं, कैसी खुशी ये छुपाएं, राम आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और जिनकी ये पंक्तियां हैं वो हमारे साथ आज सरयू जी की जलधारा के साथ साथ चलते हुए राम जी के बारे में बातें करने आए हैं। ठंड उन्हें लग रही थी थोड़ी सी, मनोज मुंतशिर जी को मैंने उधार लिया, शॉल अपनी कलमकारी का शॉल उन्हें दिया। यही सनातन संस्कृति है। जो आपका था वो आपने मुझे दे दिया, क्योंकि आपने देखा कि मुझे ठंड व्यथित कर रही है। हाँ। और मैंने देखा है मनोज जी कि अयोध्या नगरी में सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। हाँ। बाकी जगह आपको नहीं दिखेगा, यहाँ एयरपोर्ट पे मैंने देखा एक व्यक्ति से सामान नहीं उठा तो चार लोग आ गए कि मैं सामान उठा दूं। तो ये है और यही राम राज्य है। और कुछ तो वजह रही होगी ना कि श्री राम ने अवतरित होने के लिए इसी धरती को चुना, कुछ तो बात होगी इस धरती में। जी तो है अयोध्या अलग, पर मैं आज चाहती हूँ क्योंकि इससे सुंदर पवित्र जगह अभी हो नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल। तो आपकी वो पंक्तियां आपकी मुंह से हम सुनना चाहते हैं। आज तो मेरे मन में बस एक ही बात आ रही है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको पाके क्या पाया सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। नैन मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी, संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम राम आए। इसकी एक एक पंक्ति जो है, अब देखिए हम सरयू नहर खंड पर है यहाँ पे जी, एक एक चीज जो है यहाँ पर बदल गई। आप भी अयोध्या में हाँ, आते रहे हैं, अमेठी का लड़का, पूरे हमारा तो आंगन है ये जी। हाँ? तो उसमें बहुत बदला हुआ देखा होगा आपने, बहुत बदला हुआ देखा। और ये माता सरयू इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र रही हैं कि ये अपने जो इनका वैभव है उस वैभव में दिखें, इसके लिए बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन अब देख रही हैं। हमें माँ सरयू ऐसी ही चाहिए थी जैसी थी वो, अपने मौलिक रूप में है माँ एकदम। अच्छा, एक एक और चीज जो यहाँ पर अपने मौलिक रूप में है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे उसमें थोड़ा बदलाव भी दिखता है, वो चाय पीना है आपको? ये पूछने वाली बात है, बताइए। जो चाय के लिए मना करता है ना, हाँ, अरे मैं मेरी उस इंसान से दोस्ती नहीं हो सकती कभी। हाँ, हाँ, तो चाय जब कोई पूछे हाँ, तो सिर्फ एक ही उत्तर होना चाहिए, हाँ, ले आओ ले आओ। हाँ। तो ये यहीं से अयोध्या से जी, मनिकापुर धाम से। मनिकापुर से दो चाय पिलाइए यार, नींबू वाली बहुत बढ़िया मिलती है अयोध्या में। हम बड़ी दूर से सुन के आए हैं कि नींबू वाली चाय जो अयोध्या में मिलती है कहीं और नहीं मिलती। अच्छा, ये जो मसाला है इन लोग का कोई सीक्रेट रेसिपी होता है? हाँ, ये घर में बनाते हैं ना मसाला? जी सर, जी सर, जी घर में बनाते हैं। अभी कितना आप लोगों का काम काज भी बढ़ा होगा यहाँ पर? जी जी, बहुत 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 काम बढ़ गया है। मन कितना प्रसन्न है, राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जी, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले मतलब जो पूरी एक एक प्रक्रिया, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कहीं पर भी लोगों ने इतना कुछ सुना होगा, अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को उस रूप में अभी तक देखा होगा। एक एक क्रम सामने आता है और कई चीजें तो पता ही नहीं होती थी पहले से। बिल्कुल, देखिए ये हमारी सांस्कृतिक विजय का दिवस है जी, जो 22 जनवरी है ना। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि कुछ जो बड़े दिन हमारे इतिहास में हैं, जिनको हमें हमेशा सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, जैसे 15 अगस्त 1947 बहुत बहुत बड़ा दिन हम मनाते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आजादी के यज्ञ का शुभारंभ हुआ था, 22 जनवरी 2024 को उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, क्योंकि राजनैतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक उसमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिल नहीं जाती। तो इसे कंप्लीट फ्रीडम कहते हैं ना, कंप्लीट फ्रीडम, थोरो फ्रीडम, 100% फ्रीडम, वो हमको मिलेगी 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024। और देखिए कहते हैं कि उस दिन का जो संयोग है वो वही समय का है जब श्री राम का जन्म हुआ था। ये दिन वही नहीं है पर संयोग वही, संयोग है। वही है जी। और बहुत सारे और संयोग, जैसे जब विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया तो कहते हैं रूप लिया था, तब उस समय भी यही संयोग बन रहे थे जी। तब मैं राम कथा का जो नया स्वरूप आपने एक गढ़ा है, एक रचा है राम जी की भक्ति में,
और उनके जीवन के बारे में जो बताते हैं ना मनोज, मैं कहूंगी यहाँ आज सरयू जी के जलधारा के साथ, वो आपने स्टूडियोज में बहुत सुनाया है। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, मैं क्यों भगवान श्री राम के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ, आपसे ही कितनी बार बातें हुई हैं, क्यों बोलते हैं? उसका कारण सिर्फ इतना है कि अगर हमको सचमुच विश्वगुरु बनना है, अगर हमें एक देश के तौर पे, एक परिवार के तौर पे, एक समाज के तौर पे अपने फुल पोटेंशियल को छूना है, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त होना है, तो आज भी राम से बड़ा नायक और राम कथा से बड़ा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ऐसी कहानी पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं है जैसे बार बार सुना जाता है, बार बार कहा जाता है। चरित्र की गहराई आप देखें, राम कौन है अगर एक रिकैप लें आप, राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर इस संसार के सबसे बलशाली असुर से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी आंखें मूंद के हमेशा के लिए यही सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा है, हमारे संविधान में श्री राम की छवि अंकित है। राम वो राष्ट्र प्रेमी हैं जो अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को ठोकर मार देते हैं क्योंकि अयोध्या की मिट्टी बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा दपि गरीयसी। ये राम कथा है, बताएं इससे आप कैसे पार पाएंगे? जितना डूबेंगे उतने मोती मिलेंगे आपको। और आज तक देखें आप जो इम्पैक्ट है, जो असर है राम कथा का, वो कैसे हमारे ऊपर है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अभी 10-12 दिन शायद पहले की बात है, ये एक छोटा सा देश है, हम तो बड़े दोस्ताना रिश्ते रखते थे मालदीव्स, उन्होंने छींटाकशी कर दी हमारे ऊपर, अनकॉल्ड फॉर, बिना किसी वजह के चार बातें हमारे देश को बोल दी। हमें क्या याद आया? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमने क्या किया? हमने 24 घंटे के अंदर मालदीव्स का हुक्का पानी बंद कर दिया, उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को घुटनों पे ले आए। बड़ी बात ये है कि इसके लिए कोई सरकार नहीं बोल रही है। कुछ नहीं, आम लोग कर रहे हैं, रिकॉर्ड लोगों की तरफ से रिकॉर्ड नंबर ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स गॉट कैंसल्ड, क्योंकि अब ना अब हमारे लिए स्वाभिमान का मतलब होता है भारत का अभिमान, अब हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है भारत का रिस्पेक्ट। राम भी स्वाभिमान है देश के, राम भारत है। कहा ना कि मनोज जी कहते हैं लोग कि ये मंदिर बन रहा है, मंदिर क्यों बन रहा है, ये क्या ये राष्ट्र स्वाभिमान नहीं है? क्या ये राष्ट्र स्वाभिमान का प्रतीक नहीं है? ये राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत विलंब हो गया, बहुत लंबा इंतजार हो गया, लेकिन अब जब मंदिर बन रहा है तो इसमें हर किसी को अपना वैमनस्य, आप किस पार्टी के हैं, किस राजनीतिक विचारधारा के हैं, सबका सम्मान है। हम तो एक ऐसे देश में हैं जहां कुछ गलत ही नहीं है, सबकी सोच का आदर है, लेकिन जब बात राम पे आए ना तो एक जगह एक मंच पे आगे खड़े हो जाओ और एक ही चीज बोलो, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।